डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह को जैसे ही सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप में कोर्ट ने गुनाहगार करार दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में तनाव हो गया। वजह थी कि डेरा मुखी का जन्म श्रीगंगानगर के गुरसर मोडिया गांव में हुआ था। इस कारण यहां उनके हजारों अनुयायी हैं। ऐसे में भास्कर कॉरेस्पोंडेंट ने डेरा मुखी के जन्म स्थल और उनके डेरों में जाकर वहां का माहौल देखा तो दोपहर तक प्रार्थनाएं होती रही। लोग उनके बरी होने की कामना करते रहे। वहीं फैसला आने के बाद शाम होते होते जिले के कई इलाकों में तोड़फोड़ की गई और दफ्तर फूंक दिए गए। हालात को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात करना पड़ा। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह यही 15 अगस्त 1967 को जन्मे थे। शुक्रवार को डेरे में 800 प्रेमी मौजूद हैं और नाम चर्चा चल रही है। सभी को उम्मीद भी ऐसी ही थी, लेकिन 2:30 बजे जैसे ही डेरा प्रमुख कोर्ट में पेश हुए और करीब 3 बजे उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट का गुनाहगार करार दिया गया। वहां डेरा प्रेमियों की आंखों से आंसू आने लगे। फैसला आने के बाद पहले तो वहां कुछ देर के लिए कानाफूसी हुई, फिर एक फोन आया और सभी डेरा प्रेमियों को घर जाने का आदेश दिया गया। फैसले के बाद सभी डेरा प्रेमियों के चेहरों पर तनाव साफ दिखाई दिया। शाम तक यहां खुद एडीएम पुलिस के साथ फ्लैग मार्च करते रहे, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं हुई। डेरा मुखी गांव में 6 माह पहले एक फिल्म की शूटिंग करने आए थे। फैसला आने के बाद कोई भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। सबने कहा, उम्मीद नहीं थी कि हमारे पिताजी के साथ ऐसा होगा। यह डेरा गुरमीत राम रहीम सिंह के बड़े डेरों में से एक है। 2007 में डेरा सिख विवाद से पहले जब भी डेरा प्रमुख यहाँ सत्संग और समागम करने आते थे। डेरा मुखी इसी डेरे में पिता शाह सतनाम का जन्मदिन मनाते थे और एक एक माह तक यहाँ मेले सा माहौल रहता था। हजारों की भीड़ यहाँ जुटती थी, लेकिन आज माहौल उलट है। डेरे का मेन गेट बंद है, बाहर पुलिस तैनात है। आम लोगों को डेरे में आने नहीं दिया जा रहा है। सबके चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही है। दोपहर 3:05 बजे एक डेरा प्रेमी के मोबाइल की घंटी बजी। पता चला कि डेरा मुखी को गुनाहगार करार दे दिया है। एसडीएम भवनवर लाल, डीएसपी दिनेश मीणा और तहसीलदार मानसिंह प्रजापत मौके पर रहे। अदालत का फैसला आते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। गांव में सभी दुकानें बंद हो गईं। पुलिस ने एहतियात के तौर पर यहां फ्लैग मार्च शुरू कर दिया, जो रात तक जारी था। रात तक यहां पुलिस तैनात थी। पदमपुर रोड पर 5A की रोही में डेरा सचा सौदा के नाम चर्चा घर के बाहर करीब 60 पुलिस कर्मियों का फोर्स खड़ा है। डेरे में 8-10 महिला अनुयायी एक कमरे में बैठी कीर्तन कर रही हैं। सीओ सिटी तुलसीदास पुरोहित ने पूरे फोर्स को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। दोपहर 2:30 बजे इस नाम चर्चा घर में ऐसा ही माहौल रहा। बाहर पुलिस चौकसी में खड़ी रही तो अंदर डेरा प्रेमी सत्संग करते रहे। इधर अशोकनगर ए के पास रविदास नगर के नाम चर्चा घर के बाहर भी करीब 50 पुलिस कर्मियों का फोर्स लगाया गया। डेरे के अंदर करीब 50 महिलाएं और 10 से 12 शख्स गुरु मंत्र जाप कर रहे थे। जैसे ही गुरुजी को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है, लेकिन सजा 28 तारीख को सुनाएंगे। इस खबर के साथ ही डेरे में मौजूद अनुयायियों के चेहरों पर मायूसी छा गई। करीब आधे घंटे बाद डेरा प्रमुख का संदेश आया कि सभी प्रेमी शांति बनाए रखें और अपने घरों को लौट जाएं। सरकारी दफ्तर व बोलेरो फूंकी, 4 लोग राउंड अप, 1 अस्पताल में भर्ती। डेरा प्रमुख पर फैसले के बाद श्रीगंगानगर में सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने 5 डेरा अनुयायियों को राउंड अप किया है। इनमें से एक अनुयायी का हाथ भी झुलस गया था, जिसके चलते उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डेरा अनुयायियों ने 2 सरकारी दफ्तरों और सरकार के कॉन्ट्रैक्ट में चल रही गाड़ियों को पेट्रोल बम से जलाने की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 10 आरोपियों में से 4 को राउंड अप कर लिया है। आरोपियों ने पकड़े जाने के बाद बताया कि उनको इन वारदातों के लिए उकसाया गया था। उन्होंने मिलकर प्लानिंग की। इस पूरी टीम में 10 से ज्यादा आरोपी शामिल हैं। बाकी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। And don't forget to drop a like, leave a comment.